जय माता दी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज वीरवार भी है, साईं बाबा जी का भी दिन है, पीरों का भी दिन है, तो आज बहुत अच्छा दिन है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं, तो मैंने बिल्कुल पीली टी शर्ट पहन ली है। और लोग अपने घरों में दाल भी पीली बनाना पसंद करते हैं, चने की, अरहर की, कोई भी दाल हो लोग बनवाते हैं। हम देखते हैं कि हम कौन सी दाल बनाते हैं। बस मैं नहा चुकी हूँ, चाय भी इनको बना दी है और बस मैं करने जा रही हूँ पाठ पूजा। आज तो सुबह सुबह ही पूछी बिल्कुल बेहोश होकर सोई हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे पूरी रात ये सोई नहीं थी। आज इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना था, मैं चीना को बोल रही हूँ चल, चीना ने बोला बस। मेरी कुछ ढीली ढीली तबीयत लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे बदन टूट रहा होता है, बुखार सा होता है, तो आज इसको इंजेक्शन नहीं लगा। क्या हुआ है, क्यों बुलाए जा रहे हो? अरे मतलब मम्मी को बोला था मैं इसमें डेटॉल भर दे और पानी सैनिटाइजर करने के लिए। आप आपने मुझे खाली कहा इसमें डिटोल भर दे, मैंने भर दिया, अब क्या चल नहीं रहा, तो चलाने ना चलाने की गारंटी आपकी है। अब कैसे चलेगा बताया, इसमें क्या कर रहे हैं? चल ही नहीं रहा है। ऐसे करो इसको खोल के ना, कोई ना डालते मेरी क्या गलती है। ए मेरी सचियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। ए मेरे सचदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। लड्डू गोपाल की जय, गोवर्धन लाल की जय। लंच कर लिया है, बस चाय साथ साथ रख दिया है, चाय बन गई है, बस दो तीन मिनट और, तीन चार मिनट उबाल के बस इसको चाय छान दूंगी ताकि ये जल्दी दुकान पे चले जाए। मैं अभी अभी बस जैकिन वाली शॉप पे गई थी तो कन्नू को देखा है, कन्नू गाड़ी निकाल रहा है, तो कन्नू ने अपनी गाड़ी बाहर निकाल दी है। कई लोग मुझे लिखते हैं कि कन्नू ने पीपीएफ करवाई है, कैसे है कन्नू की गाड़ी अंदर से दिखाओ, तो मैं कन्नू की गाड़ी अंदर पहले तो ये देखो पीपीएफ करवाई है। ये क्या हुआ, गंदा लग गया? तू बता कन्नू पीपीएफ के बारे में क्या है? हाँ बता। ये देखो ना, मैंने पूरी गाड़ी पीपीएफ कराई है। जोर से बोलते हैं, मैं पूरी गाड़ी पीपीएफ कराई है। जैसे यार इसमें दिखेगी नहीं दिखेगी, आपको लैमिनेशन दिख रही है एक, मगर इसमें नहीं दिख पाई। देखो गेरी, ये ऐसी पूरी गाड़ी पे चल रही है, पूरी गाड़ी पे लैमिनेशन, पूरी गाड़ी पे लैमिनेशन हो रखी है। अब कोई भी कुछ भी करेगा, जैसे डॉगी वगैरह भी चढ़ जाए या कोई बच्चे जाते रहते मस्ती मारते हैं, तो कुछ भी नहीं है। बस ये गाड़ी कन्नू ने कवर उतारा है, थोड़ी गंदी है, तो कपड़ा फेरेगा इस पे। पीपीएफ करवाई है तो इससे हमारी गाड़ी की सेफ्टी है। कन्नू की जो गाड़ी है वो क्रीम कलर की और ब्लैक कलर की है, तो कन्नू ने ये सारे के सारे जो कवर डलवाए हैं ये भी इसी कलर के हैं। मैंने यही कहा था, मैं डार्क कलर के डलवाइयो, लाइट कलर कुछ भी खाओ पियो तो गंदे हो जाते हैं। ये देखो आगे पीछे ये सारे, अभी आगे से भी दिखाती हूँ। तो कन्नू की ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, हाँ। और कन्नू ने, हाँ ये देखो कन्नू ने कपड़ा खरीदा है, हाँ। जैसे ही कपड़ा मारो, ये कपड़ा बहुत अच्छा है कह रहा है, गाड़ी के मतलब क्या है, जैसे ही मारता है बिल्कुल गाड़ी साफ हो जाती है। पूरा चेहरा दिख रहा है, ये देखो चेहरा दिख रहा है, ये देख चेहरा दिखेगा आपको, दोनों साइड देख लो अपने, दोनों साइड ये देख लो कन्नू गाइस, ये देखो कपड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, पीछे सारी फैन लगी हुई है, हाँ ऐसे मारो, ऐसे वन मारो, क्योंकि ब्लैक कलर की गाड़ी है, जितना मर्जी कर लो गेस्ट थोड़ी बहुत आ ही जाती है, 5 मिनट में गंदी बाहर लेके जाऊंगा, मिट्टी में गंदी। एक कन्नू ने गाड़ी में शिव जी भोले है और साथ में दुकान से इसने ये वाली रुद्राक्ष की माला ली है। कहता मम्मी एक तो माला तो शिव जी भोले ने डाल रखी है, एक ये मैंने डाली है। देखो आपको गाइस रुद्राक्ष नजर आ रहे होंगे, गोल्डन, तीन गोल्डन और साथ में एक रुद्राक्ष, शिव जी भोले को इसने ये गाड़ी, बहुत अच्छी है गाड़ी। अच्छा ये सब लगा दिया है। ये क्या है कन्नू, ये क्या है? अच्छा ये नहीं दिखा, एक मिनट, ये देखो ये सन रूफ मून रूफ है,
मैं कहती गाड़ी बहुत अच्छी लगती है ऐसे। उस दिन हम गाड़ी में बैठ के आए थे तो बहुत अच्छी लग रही थी। अभी कन्नू इसको खोल के दिखा रहे हैं, ये देखो गाइस, ये ऐसे खुल जाती है और गाड़ी में पूरी रोशनी हो जाती है। ये देखो ऊपर से सारी ये खुल जाती है। अब इसको हम आराम से बंद कर दो। अच्छा है ये वाली गाड़ी, सही लगी है मुझे और कलर भी अच्छा है। मैं ठीक है, थोड़ी गंदी जल्दी होती है, मैं सफाई रखो तो, सफाई तो सफाई रखनी पड़ती है। अच्छा है गाड़ी, फर्स्ट क्लास है कन्नू की, पीपीएफ हो गई है। आप भी कराना चाहो तो हो सकती है, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, हाँ जितनी मर्जी जल्दी हो जाए। ये देखो यहाँ से कराइए, इसने यहाँ से करवाई है गाइस, तो आप भी करवा सकते हो। ये है, ये बटन दबाऊंगा ना, ये बटन चालू होता है। How can I help you? Open sunroof. अच्छा, ऐसे भी हो जाती है बिना हाथ लगाए भी? बिना हाथ लगाए भी, हाँ। उस गाड़ी से इस गाड़ी में तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये भी 2 मिनट सुन रही है, चालू हुई है ना, सुन कर देती है, मतलब सुन भी हो सकता है। नहीं लेडीज बोलती है। अच्छा लेडीज बोलती है, देखो ना जैसे ये उसको क्लिक नहीं करेंगे, प्रोग्रेसिंग आ रहा है यहाँ पे। क्यों वाईफाई नहीं चल रहा? नहीं अरे गल वो है ना, गली में खड़ी है गाड़ी, मे बी नेट ना कनेक्ट। चलो सही है ना, हाँ ये मतलब यूज नहीं करता, वेदर बता देता है, हाँ। बस ऐसी फीचर्स सारे बताता। अच्छा है ना, हाँ। चल तू खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ, बस तेरे को खुश रहना चाहिए, ठीक है ना? सही है, चल बाय बाय बाजारो, बाय मिलते हैं फिर, है ओका बाय बाय। दोपहर को रोटी कम खाई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, एक ही रोटी खाई थी मैंने, तो भूख नहीं लग रही थी, मतलब बुखार बुखार सा लग रहा था। जब गोली खाई तो फिर ठीक हो गया। अब शाम को जैसे ही मैं दुकान से आई हूँ, आते मैंने अपने 2 ब्रेड पीस सेके हैं ब्राउन वाले, और साथ में चाय बनाई है। तो मैंने कहा चलो अभी रोटी खाने को देर है, तो 2 ब्रेड पीस से ही कुछ तो पेट भर जाएगा। रात को डिनर में बनाई है अरहर की दाल, जिसमें टमाटर का तड़का लगा हुआ, हरा धनिया और हरी मिर्च काट के डाली है, और साथ में बनाया है चावल, क्योंकि चावल अंदर पड़े हुए हैं तो कुछ मैंने यहाँ रख लिए हैं। तो अरहर की दाल और चावल, और इनको बना दिए 2 फुलके साथ में, क्योंकि रात को बिल्कुल चावल, खाली चावल खा के नहीं सोते, तो 2 फुलके भी साथ बना दिए। थोड़े से चावल मैं खा रही हूँ, दाल चावल। सीना तू क्या कर रही है? हैं कुछ नहीं, माँ जी की मेमोरी आ रही थी 3 साल पुरानी, वो देख रही थी। 3 साल पुरानी? हाँ। कौन सी दिखा? मेरा गला मल रहे थे। गले में दर्द नहीं होता? माजी मलती नहीं थी, हाँ तेल लगा के, हाँ। मेरे भी बड़ी बार लगाया है माजी, कहते आराम ऐसे आए ना आए, मगर तेल लगा के आ जाता था माजी, हर किसी को मलती थी माजी, बहुत अच्छा मलती थी। अच्छा ये देख रहे चीना, जब तक बेबी नहीं होते तब तक हमारे में कपड़े नहीं लेते हम लोग, तो लेते हैं, मैंने लोगों को देखा है। नहीं अभी नहीं लेते, मैंने सच में देखा है। गोलू वो ले लेते होंगे, गोलू गोलू पता नहीं क्या बात है, गोलू निकल रहा है मुझसे चीना को सामने बैठ के। मैं कह रही हूँ हमारे में नहीं लेते, हम कट्ठे लेंगे एक बारी, गोलू के बच्चे और पायल के बच्चे हम कट्ठे एक ही बार। मैं ये नहीं गोलू के बच्चा पहले हो गया तो पहले ले लूंगी। ये देखो, हाँ ये क्या हुआ? ये देखो अरे कोई बात नहीं, शुक्रवार है आज वो बैठा होगा, मच्छर काट रहे हैं इतने सारे मच्छर, ये देखना। हाँ तो मच्छर है, पूरी बाजू के कपड़े पहन के रात को सोया करो, बहुत ज्यादा मच्छर है। पापा रात को इतना मच्छर मार रहे थे, इतना रोटी खाते खाते पापा बहुत परेशान। देखो घूम रहे, जब बेबी हो जाएंगे ना हम कपड़े ले आएंगे। हाँ बना रही हूँ, बना रही बना रही। मम्मी ने मिर्ची वाले बना दिए, थोड़ी थोड़ी मिर्ची नहीं डाली, पनीर भी डाला है पता है मुझे। गाइस ये मम्मी ने इसमें टमाटर डाला है, पनीर डाला है, टुकड़े डाले पनीर के टुकड़े डाले, और चावल तो देखे मुझे ना मम्मी ने कौन सी बनाई थी, अरहर की दाल, हाँ। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब उसका सांबर आपने बड़े टाइम से नहीं बनाया यार। सांबर बनाऊंगी अब थोड़ा सा,
मतलब ये डोसा डोसा बनाएंगे, थोड़ा नवरात्रे चले जाएंगे ना, हाँ तो फिर डोसा वगैरह बनाएंगे सब। और क्या कहते हैं, मुझे ना उसके साथ मतलब सिर्फ एक ही दाल पसंद है, सिर्फ वो येलो वाली, वो मूंगी मसाला, मूंगी मसाला बस। उसके अलावा मुझे कोई भी दाल नहीं पसंद। एक ये फ्राइड राइस की दाल बनाई है पापा ने, इतने शौक से खाई है पापा, एक कटोरी खाने वाले पापा ने। वैसे तो पता दाल मतलब ज्यादा नहीं सब्जी खाते, आज दोबारा मंगा रहे थे। चलो ओके गाइस, नाउ आई एम ईटिंग इट, मिलते हैं आपको खाने के बाद, बाय। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया तो वो भी जाके फॉलो करो, तरुण बसरन 9, और मौज की जो आईडी है वो भी है तरुण बसरन 9। और आजकल हम फेसबुक पे भी अपने ब्लॉग डालते हैं, तो उसका जो भी नाम है वो भी फैमिली चैनल ही है, और यूट्यूब का भी जो है फैमिली चैनल है, तो इसको भी जाके अगर जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।